अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं, कहीं से भी बनाते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉटेक वर्ड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पोर्टल में ले चलते हैं और बताते हैं पूरी बात क्या है। तो दोस्तों, जो ये जो फॉर्म आया था, अभी मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था आप यूटीआई पीएससी का यूज करते हो, यूटीआई सीएससी का यूज करते हो, या कोई भी पैनल आप यूज करते हो, पोर्टल यूज करते हो, तो आपको ये करना जरूरी है। तो जैसे ही आप अपने पोर्टल में लॉग इन करेंगे, अगर आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकलिस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और जैसे कि देख सकते हैं सीएससी के पोर्टल, इसमें भी ये बताई दे रहा है। तो फॉर्म दोनों का एक जैसा ही है। यहाँ पे मैं ओपन करके आप दिखा देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके इसको किस तरीके से भरेंगे, किस तरीके से इसको अपलोड करेंगे, इस बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक और काम है, इसको भरने के बाद मैं बताऊंगा। अगर आप वो नहीं करते हैं तो भी आप जो है पैन कार्ड नहीं बना पाएंगे और आपके प्रति कार्यवाही हो सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस फॉर्म को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे लिख देना है यस। ओके, कैपिटल में लिख दीजिए यस। ओके, तो यहाँ पे मैं यस को कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट करते जाइए। दूसरा कॉलम है, इसमें भी यस कर देना है। इसी तरीके से सब में जो है आप यस करते जाइए, जहाँ जहाँ भी क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। ओके, इसी तरीके से अगले में यस, फिर यहाँ पे मैं फिर से नीचे बढ़ूँगा, यहाँ पे भी यस। ओके, यस, फिर नीचे बढ़ेंगे, यस। इसी तरीके से नीचे बढ़ते जाइए और सबसे लास्ट वाले में यहाँ पे आपको कर देना है नो। ओके, बाकी सब में कर देना है यस यस और यस, कंट्रोल भी यस और यस। अब पूरा फॉर्म भर जाने के बाद में अब आपको नीचे आना है, एक पॉइंट ए यहाँ पे, एक कॉलम नीचे आना और यहाँ पे लिखना है वी एल ई नेम। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना वी एल ई नेम लिख देना है। ओके, नीचे आएंगे, अब यहाँ पे सी एस सी आई डी, या फिर अगर आप पी एस ए चलाते हैं तो अपना पी एस ए आई डी, जैसे कि मैं पी एस ए बता दूँ यहाँ पे, पी एस ए आई डी। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देना है अपना पी एस ए आई डी, जो भी है आपका वो लिखिएगा। लिखने के बाद में देखिए इस तरीके से लिख गया है। अब आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाइए, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके से प्रिंट आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइड में ये कट रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज करते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ओके, मैंने कॉपी कर लिया, अब इसको कट कर देते हैं और इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिख दिया पूरा, अब स्टार्टिंग में चलेंगे और इसको पीछे बढ़ा देंगे इस तरीके से, पीछे बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए और अपने हिसाब से सही कर लीजिए। ओके, इस तरीके से नीचे भी इसको भी हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में इसको कट कर देंगे और आगे इसको पेस्ट कर देंगे। अब सबसे आगे फिर से जाएंगे और स्पेस दबाए रखेंगे, उसको भी उसके नीचे ले आएंगे। अब इसके बाद में जब आप प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो कुछ भी कटेगा नहीं और पूरा सब कुछ वहीं पर दिखाई देगा। ओके, आगे का स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे मैं एक बार बाहर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपको करना होगा। प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं, देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पे नीचे जो आईडी है वो हमारा पूरा नहीं आ रहा है, तो इस पर हम डबल क्लिक एक बार फिर से करेंगे और इसको थोड़ा सा पहले बढ़ा लेंगे। देख सकते हैं इस लाइन के पहले लग रहा है, ले आएंगे इसको और ऊपर वाला भी जो है उसको बराबर में ले आएंगे। अब बराबर में लाने के बाद में आपको फिर से वहीं पर जाना है, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं अब सब कुछ सही आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कर लेना है अपने प्रिंटर से। उसके बाद में आपका जो सी एस सी आई डी या पी एस सी आई डी का मोहर जो है, उस मोहर को यहाँ पे ठोक देना है नीचे और अपना एक साइन कर देना है डेट के साथ में। यहाँ पे आप मोहर लगाएंगे, डेट एंड साइन, और उसके बाद में इसको स्कैन कीजिएगा पीडीएफ में, पीडीएफ 200 DPI में स्कैन कीजिए। यहाँ पे फॉर्म अपलोड के लिए चूज कीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, बस आपको ये करना है। ये तो था पहला काम। दूसरा काम आपको बता दें कि आप कहीं से भी पैन कार्ड बना रहे हो, थर्ड पार्टी पोर्टल, ऑफिशियल पोर्टल, एनएसडीएल, यूटीआई पीएसए, यूटीआई सीएससी, कहीं से भी पैन कार्ड बना रहे हो, आपको भेजना जरूरी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे भोले भाले वीएलई जो हैं उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, कुछ लोगों को, बाकी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, तो उनको यही नहीं पता है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने कहाँ हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने, कहाँ भेजने। तो इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा,
कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है, कि मतलब आपको पूरे देश में एक एक वीएलई का सब कुछ बता दूंगा कि भाई अपना एड्रेस डालो और देख लो कि आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने हैं और कैसे भेजने हैं, किस तरीके से आप भेजें जो आपका पैसा कम लगे, किस तरीके से अपनी कमाई को बराबर रखें, ये सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।